नमस्कार दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, लगातार स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि सर मगध यूनिवर्सिटी खुला है कि नहीं खुला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मगध यूनिवर्सिटी खुला है कि नहीं खुला है, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे छात्र परेशान हैं और बहुत सारे छात्रों का जो है सेशन रुका हुआ है, यानी अभी तक पार्ट वन छात्र जो पार्ट वन में छात्र हैं उनका अभी पार्ट वन क्लियर नहीं हो पाया है और लगातार स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ स्टूडेंट्स सवाल किए हैं कि सर मगध विश्वविद्यालय खुला है कि नहीं खुला है। आज इस वीडियो में चलिए आपको बताते हैं और पूरी जानकारी भी देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को फौरन लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो जितने भी जो न्यू यूजर हैं चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करके बगल में घंटी का ऑप्शन जरूर दबा दीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, मगध विश्वविद्यालय से पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, ध्यान से आप लोग यहाँ पर नोट करिए सभी छात्र, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से 25%, जी हाँ दोस्तों, आज से 25% कर्मियों की उपस्थित में खुलेगी मगध विश्वविद्यालय। देख सकते हैं साफ तौर पर लाइव प्रूफ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आज से 25% जो है कर्म मतलब जो वहां पर आधिकारिक है मौजूद रहेंगे मगध विश्वविद्यालय में और मगध विश्वविद्यालय यानी मगध यूनिवर्सिटी खुलेगी, ठीक है। आज से मगध यूनिवर्सिटी खुलेगी। चलिए इसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं कैसे खुलेगी और कब तक खुलेगा और कब से इसका स्टार्ट होगा खोलना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम परीक्षा से रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप फौरन क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मगध विश्वविद्यालय से रिलेटेड हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मगध विश्वविद्यालय से मिस नहीं होगा। तो आप लोग फौरन टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है। दोस्तों हालांकि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा पूरी साफ तौर पर और मैं आप लोगों को पढ़कर भी बता देता हूं, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि मगध विश्वविद्यालय की तरफ से लॉकडाउन के चौथे फेज के बाद बुधवार, जी हां दोस्तों, बुधवार से मगध यूनिवर्सिटी मुख्यालय खुलेगी, यानी मगध यूनिवर्सिटी मुख्यालय खुलेगा। दूसरी बात, मुख्यालय और महाविद्यालय के कार्यालय को खोलने निर्देश दिया गया है, ठीक है। महाविद्यालय भी खुलेगा, यानी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं खुलेगा, मगध यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसके अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं वो सब कॉलेज भी खुलेंगे, ठीक है ना। 25% जो है आधिकारिक मौजूद रहेंगे मगध यूनिवर्सिटी में, 25% आधिकारिक मौजूद रहेंगे और उसके साथ जितने भी कॉलेज आते हैं कॉलेज में भी जो है 25% जो है आधिकारिक मौजूद रहेंगे, ठीक है। सभी छात्रों को वीडियो को शेयर करना जरूर भाई, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का सवाल है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि महाविद्यालय के कार्यालय को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, संक्रमण को देखते हुए 25% कर्मियों की उपस्थित में आवश्यक कार्य के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय खोले जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातकोत्तर विभागों और महाविद्यालयों में 8 जून तक पठन पाठन का कार्य पूर्ण बंद रहेंगे, यानी 8 जून तक कोई भी अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आवश्यक कार्य के लिए सुबह 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक कार्यालय खोलने का आदेश रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी किया गया है। मैं आप लोगों को जैसे मैंने क्या बताया कि मगध विश्वविद्यालय चाहे कॉलेज हो, देखिए 7 बजे से लेकर 1:30 बजे यानी 1:30 बजे तक जो है आप लोगों का खुलेगा, ठीक है। 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है मतलब खुलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, सभी लोग 1:30 बजे तक जो है खुलेंगे, उसके बाद आप लोगों को जो भी काम करना है, जिसको जो भी छात्रों को डॉक्यूमेंट जमा करना है, डॉक्यूमेंट निकलवाना है या किसी भी तरह का पूछताछ करना है, तो आप लोग 7 बजे सुबह से निकल कर और 1:30 बजे तक अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जून के अंतिम माह तक परीक्षा कराने का निर्देश भी दिया गया है, जून के अंतिम माह में परीक्षा भी लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है,
दूसरी बात, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से छुट्टी हुई परीक्षा संपन्न कराने की बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि इन सब के बीच यूनिवर्सिटी परीक्षा की तैयारियां में जुट गई है। वाह भाई दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, परीक्षा के लिए जुट गई है। परीक्षा शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा की आंतरिक तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई है। दोस्तों मुख्यालय खुलते ही तैयारी का जी हाँ दोस्तों अमली जमा पहनाया जाएगा। जून के अंतिम माह तक परीक्षा संपन्न करा लेने का तैयारी की जा रही है, यह बड़ी खबर है। ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच मगध यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़ने में पसीने बहने पड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर है, स्नातकोत्तर के नामांकित छात्रों को ऑनलाइन क्लास शुरू कराया गया है, यह बड़ी खबर है। ठीक है, जितने भी स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, नामांकित के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। और जून के लास्ट वीक में जो है परीक्षा, जो भी छुट्टी हुई है सभी स्टूडेंट्स के परीक्षे लिए जाएंगे, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर न्यू जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आप लोगों को कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कुछ खुले हुए हैं, आज से खुलेंगे 1:30 बजे तक, आप लोग जाके काम करवाइए। परीक्षा जो है आप लोगों का जून के लास्ट वीक में ले लिया जाएगा, सभी छात्रों को बता दीजिए वीडियो को शेयर करके। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, चैनल पर न्यू जरा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली पूरी पल पल की अपडेट इसी तरह पाते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स, आने वाली पूरी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।